तो अभी तक आप हाइपरबोला की बेसिक डेफिनेशन के बारे में सीख चुके हैं अब इस वीडियो में हम हाइपरबोला की और उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड केस में हाइपरबोला दोनों एक्सिस के लिया जाता है जहां दोनों फोकस एफ एंड एफ डैस एक्स एक्सिस पर लाई करते हैं वर्टेक्स ए एंड एस इस प्रकार होते हैं ओ से ए के बीच का डिस्टेंस स्मॉल ए के इक्वल लिया जाता है जिससे वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट ए हो जाता और वर्टेक्स ए डैश का कोऑर्डिनेट ए हो जाता है। ओ से फोकस एफ का डिस्टेंस सी के इक्वल लिया जाता है हम हाइपर की इस्ट्रिसिटी को ई e से डिनोट करते हैं जिसे सी बाई ए के इक्वल डिफाइन किया जाता है हाइपरबोला के लिए c इज ग्रेटर देन ए होता है जिसकी वजह से इसेंट्रिसिटी की वैल्यू एक से बड़ी होती है यहां हम c इज इक्वल टू ए इन ई भी लिख सकते हैं जिससे f का कॉर्डिनेट एक्कोमा जीरो मिल जाता है और एफ डेस का कोऑर्डिनेट माइनस ए इकोमा जीरो मिल जाता है हम पढ़ चुके हैं कि b इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जिसमें c की वैल्यू पुट करने पर हमें यह मिलता है जिससे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू स्टर माइनस वन मिल जाता है अब हम कंसीडर करते हैं कि कोई पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट x कॉमो वाई है हाइपरबोला पर लाई करता है देन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला पॉइंट P से दोनों फोकस के डिस्टेंस का डिफरेंस 2a के इक्वल होगा। That means PF डास माइनस PF इज इक्वल टू 2a हो जाएगा। जिसे हम लिख सकते हैं PF डास इज इक्वल टू 2a प्लस PF। अब दोनों साइड PF की वैल्यू पुट करने पर हमें यह इक्वेशन मिलती है। जिसे हम आगे सिंप्लिफाई करके इस तरह भी लिख सकते हैं। अब हम दोनों साइड से फोर ए कॉमन ले लेते हैं जिससे हमें ई एक्स की वैल्यू यह मिल जाती है अब हम रूट को सॉल्व करेंगे, करेंगे? तो वो कैसे करेंगे? कि दोनों साइड स्क्वायर करने पर हमें यह इक्वेशन मिलती है और इसे आगे सॉल्व करने पर हमें यह मिलती है यहां ए स्क्वायर इंटू स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू बी स्क्वायर के इक्वल पुट करने पर हमें इक्वेशन मिलती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्तल टू वन जो की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है अब इसके दो कंक्लूजन हैं जिनमें पहला कंक्लूजन हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन इस केस में दोनों फोकस x एक्सिस पर lie करते हैं जिनका कोऑर्डिनेट्स इस प्रकार है और दोनों वर्टेक्स भी x एक्सिस पर ही lie करते हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स इस प्रकार हैं अब हम x a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 y b का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं जहां हम क्लियरली देख सकते हैं कि x a का होल स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू वन होगी यानी मोड ऑफ एक्स अपॉन ए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वन मतलब एक्स या तो माइनस ए के बराबर या उससे छोटा होगा या एक्स ए के बराबर या उससे बड़ा होगा कहने का मतलब यह है कि हाइपरबोला का हाफ पार्ट लाइन एक्स इज इक्वल टू माइनस ए के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है और अदर हाफ पार्ट लाइन एक्स इज इक्वल टू ए के राइट right साइड में प्रेजेंट होता है मतलब हाइपरबोला वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करता तो चलिए अब हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं यहां हमें एक हाइपरबोला की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके वर्टेक्स गिवन है वर्टेक्स है प्लस माइनस टू कॉमा जीरो एंड दोनों फोकस हैं प्लस माइनस थ्री कॉमा जीरो तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं यहां दोनों वर्टेक्स और दोनों फोकस एक्स एक्सिस पर लाई करते हैं सी की वैल्यू हमें थ्री के इक्वल मिल जाती है और ए की वैल्यू टू के इक्वल मिल जाती है अब हम बी को इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं जिसे सॉल्व करने पर हमें बी की वैल्यू मिलेगी स्क्वायर रूट ऑफ फाइव अब

जहां एफ का कोऑर्डिनेट जीरो ए एंड एफ डैश का कोऑर्डिनेट जीरो माइनस ए होता है दोनों वर्टेक्स भी वाई एक्सिस पर ही प्रेजेंट होते हैं जहां ए का कोऑर्डिनेट जीरो कोमा एंड ए डैश का कोऑर्डिनेट जीरो कोमा माइनस ए हो जाता है तो बच्चों इस केस में हाइपरबोला अलोंग वाई एक्सिस बनता है और इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू वन इसे हम वाई अपॉन ए का होली इक्वल टू वन प्लस एक्स अपॉन बी का होली स्क्वायर भी लिख सकते हैं जो कि वन से बराबर या उससे बड़ा होगा यानी मॉड ऑफ वाई अपॉन ए की वैल्यू हमें मिलती है ग्रेटर देन और इक्वल टू वन मतलब हम यहां से कह सकते हैं कि y की वैल्यू या तो a से बड़ी या बराबर होगी या फिर y की वैल्यू माइनस ए से छोटी या उसके बराबर होगी यानी हाइपरबोला लाइन y इक्वल टू ए के ऊपर और लाइन y इक्वल टू माइनस ए के नीचे लाई करता है और इस केस में हाइपरबोला एक्स एक्सेस को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करता